हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। मैं जानता हूँ काफ़ी दिक्कतें ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए आ रही हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो अब बहुत ही रिलीफ वाली बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दो मेन चीज़ें की दिक्कत आ रही है। पहली दिक्कत यह है कि काफ़ी बच्चे जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर शो हो रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। दोस्तों, ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई करते रहिए, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाएगी। कल जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, काफ़ी बच्चों के साथ ये दिक्कत आई है और सुबह होते होते ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है। तो आप प्लीज़ एक तो अपनी डिटेल जो आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई है एज इट इज़ डालें। अगर उसमें नाम आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो उसी में डालें, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल डालिए आप लोग, आपकी ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी नो रिकॉर्ड फाउंड वाली। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर वाली, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वाली। मैंने आप जो कल वीडियो बनाई थी उसमें आपको समझाया था किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, और मैंने आपको बताया था कि चेंज जो माय अकाउंट वाला सेक्शन है वहाँ पे चेंज ईमेल आईडी वाला सेक्शन है, वहाँ जाकर अपने आईडी वगैरह चेंज कर दीजिए। लेकिन उसको चेंज करने के बाद भी जब बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अगेन जो ओटीपी है वो पुराने वाले ईमेल आईडी पे जा रहा है। इसका आपको सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आपको अगेन अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है। सबसे ऊपर आपको एक विंडो शो होगा, क्लिक हेयर टू अपडेट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। उस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आपका करंट एक्टिव वाला ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज कर देना है। उसको करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे फिर आपका जो ओटीपी आएगा वो उसी नंबर पे जाएगा जो आपने चेंज किया है, ठीक है। माय अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाकर चेंज करने का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम हुई थी लास्ट ईयर, मुझे पता था इस साल भी ये प्रॉब्लम होगी, बट मैं वेट कर रहा था इसी ऑप्शन का, तो अब फाइनली ये ऑप्शन आ चुका है। आप स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाइए, पहले वो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे जाकर अपनी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद ही जो आपका ओबीई रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल है उस पोर्टल पे जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो अपडेट कर दीजिए। अगेन रिपीट करता हूँ, अब आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर माय अकाउंट वाले सेक्शन में जाकर नहीं चेंज करना है। प्लीज़ आपके जो स्टूडेंट डैशबोर्ड में ब्लू कलर का लिंक आ रहा है उस लिंक पे जाकर उसको चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यार, नो रिकॉर्ड फाउंड जिनका आ रहा है ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो आएगी आपको, जो डेमो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर वेबसाइट से डाउनलोड करना है, किस तरीके से पीडीएफ अपलोड करनी है, गलत पीडीएफ अपलोड हो जाती है किस तरीके से उसको रिमूव करना है। बेल आइकन दबा के रखिए, हो सकता है नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ना जाए लेकिन बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए, अभी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है। तो अब आप आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार ट्राई करिए। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पहले ऑप्शन पे जाके अपडेट कर दीजिए ये वाले, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करिए, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।